फ्रेंड्स, देखिए पद परिचय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम सर्वनाम का पद परिचय करने जा रहे हैं। अब सर्वनाम का पद परिचय करते वक्त हमें एक तो सर्वनाम के भेदों का पता होना चाहिए कि कितने भेद हैं, उनके क्या नाम है, क्योंकि उसमें दर्शाना पड़ेगा किसमें ये वाला सर्वनाम है। जिसमें आपको फिर बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, सर्वनाम जब पढ़ाए गए थे 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिनको 3 विभाग में डिवाइड किया गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। इनको डिटेल से आपको पूर्व में पढ़ा दिया गया है। अब पद परिचय करते समय सिर्फ आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है, या प्रश्नवाचक है या निजवाचक है, वो आपको छांटना पड़ेगा। दूसरी बात आपको बतानी पड़ेगी इसमें लिंग, कि ये जो शब्द रेखांकित होगा वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वो संकेत देना पड़ेगा। फिर आपको तीसरे नंबर बताना है ये एकवचन है या बहुवचन है। चौथे नंबर पर आपको कारक बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कारक, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या पदान कारक है, संबंध कारक है या फिर अधिकरण कारक है या संबोधन कारक है, क्योंकि इनकी सबकी अलग अलग विभक्ति आपको पहले बता दी गई है, ठीक है। और वाक्य के अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, पांचवा टॉपिक बताना पड़ेगा कि उसका कर्ता से संबंध है या कर्म से संबंध है, समझे, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब उदाहरण है, एग्जाम्पल है पहला, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, समझ गए, ये वह है, ये कट रहा है ये। तो यहाँ देखो जो पे और वह पे अंडरलाइन हो रही है। हमें सिर्फ इन्हीं का दो का पद परिचय करना है, न कि पूरी पंक्ति का, समझ रहे हो। तो देखो पहला है हमारा जो शब्द, जिसका हम पद परिचय करने जा रहे हैं। अब जो शब्द क्या है, इसमें आपको देखना है संज्ञा तो है नहीं, या सर्वनाम है या विशेषण है। तो आपको देखना है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, तो वो डिसाइड आपको खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो जो है ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है, ये संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है। अब जो शब्द पढ़ेगा, क्रिया पढ़ना है यहाँ, पढ़ेगा, तो यहाँ जो शब्द है पुल्लिंग हो, इसके अकॉर्डिंग, क्रिया के अकॉर्डिंग इसको आप छांट लोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो ये पुल्लिंग होगा। जो पढ़ेगा एकवचन, जो यहाँ कर्ता कारक, अब यहाँ को नहीं है, को जो कर्ता ने या ने नहीं है, जो ने पढ़ेगा ही नहीं है, ने साइलेंट है यहाँ, लेकिन यहाँ जो शब्द कर्ता का काम करे तो इसमें आएगा कर्ता कारक। पढ़ेगा क्रिया शब्द है, ये पढ़ना क्या है, क्रिया, और इस क्रिया का कर्ता कौन बन जाएगा, ये जो शब्द जो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, समझे। नेक्स्ट है हम वह का करेंगे। अब देखिए वह शब्द है यहाँ, वह शब्द आप पढ़ेंगे कि वह कौन सा सर्वनाम, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब इसमें 3 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब अगर आप वो नहीं बताते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इतना तो संकेत देने पड़ेगा कि वह में पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक। अब वह उत्तीर्ण होगा, होना यहाँ क्रिया है, मैंने कहा था इसके अकॉर्डिंग वह का लिंग हम निर्धारित करेंगे, तो होगा तो किसी पुरुष के लिए कहा जा रहा है, समझे, तो यहाँ पुल्लिंग होगा। वह उत्तीर्ण होगी, होगी आती तो फिर वो स्त्रीलिंग हो जाता है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, होगा तो पुल्लिंग। एक वचन, और इस वाक्य का कर्ता कौन हो या वह, तो कर्ता कारक। 2 वाक्य छोटे,
तो इस वाक्य का जो है वह उत्तीर्ण होगा, वह यहाँ कर्ता का काम करा है इस क्रिया के लिए, क्योंकि दो क्रिया है यहाँ, तो कर्ता कारक होगा क्रिया या होना क्रिया है जो हमने यहाँ समझे, होगा क्रिया, और होगा क्रिया का कर्ता कौन होगा, वह, यह हम यहाँ वह लिख सकते हैं, ठीक है समझे। नेक्स्ट है, यह अच्छा नहीं हुआ, यह अच्छा नहीं हुआ। अब यह का करना है हमें, यह सब, यह अच्छा नहीं हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एकवचन, हुआ क्रिया का कर्ता यह, होना क्रिया है यहाँ, इसका कर्ता कौन है, यह, समझे। तो ये हो गया आपका सर्वनाम का पद परिचय। आप इसी तरीके से और किसी प्रकार के वाक्य ले सकते हैं, घर पर बैठकर आप खुद अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि आपको बस नियम याद होने चाहिए, पद परिचय करते समय क्या क्या बताना पड़ता है। अब सर्वनाम का पद परिचय करते समय सर्वनाम के भेद, फिर लिंग बताना है, लिंग स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, फिर वचन बताना है, एक वचन है बहुवचन, फिर कारक छांटना है उसमें कौन सा कारक है, फिर वाक्य के अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, ये आपको बताना है, जो मैंने इन उदाहरणों के माध्यम से आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं विद्यार्थियों विशेषण का पद परिचय, ठीक है। अब विशेषण का पद परिचय करते समय एक तो विशेषण के भेद दो का उल्लेख करते हैं, तो विशेषण के भेद कितने हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, देखो पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक, या इसको हम सारनामिक भी सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेत वाचक, जो ये आपको मैंने पहले डिटेल में पढ़ा दिए हैं। तो विशेषण का पद परिचय करते समय हमें विशेषण बताना पड़ेगा कि इसमें गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक है या परिमाणवाचक या संकेतवाचक है। दूसरा बिंदु बताना पड़ेगा आपको लिंग, उसी तरह से जो पहले पूर्व में बता चुके हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, और तीसरा वचन एकवचन या बहुवचन, और चौथा है वाक्य के अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, ये आपको उसमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम विशेषण का पद परिचय करने जा रहे हैं, विशेषण का पद परिचय, पहला उदाहरण है यहाँ, एग्जाम्पल देखो आप, ये सुंदर खिलौने मुझे दो, ये सुंदर खिलौने मुझे दो, तो यहाँ सुंदर के ऊपर अंडरलाइन है, किसके ऊपर है, सुंदर के ऊपर। अब सुंदर शब्द का हमें करना है जो हमने यहाँ लिख दिया है, देख रहे हो आप सुंदर शब्द, अब सुंदर शब्द में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो यहाँ लिख दिए गुणवाचक विशेषण। अब देखो सुंदर शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो यहाँ सुंदर शब्द है पुल्लिंग शब्द है, खिलौने मुझे दो, खिलौने के अकॉर्डिंग ये सुंदर का हम लगाएंगे एकवचन या बहुवचन, खिलौना था तो एकवचन आता, यहाँ खिलौने बहुवचन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सुंदर क्या होगा, बहुवचन। कारक संबंध कारक है इसमें, ये सुंदर खिलौने मुझे दो, तो इनमें खिलौने सुंदर में और खिलौने में संबंध का बोध हो रहा है, तो यहाँ संबंध कारक होगा, और खिलौने जो है यहाँ ये विशेष्य शब्द है, तो हम ये यहाँ ये बता देंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या है, समझे, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष, तो यहाँ विशेष्य जो शब्द है खिलौने, क्योंकि खिलौने की विशेषता बताई जा रही कैसा है वो सुंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम विशेषण का पद परिचय कर लेंगे।
नेक्स्ट है सीता मधुर बोलती है, तो मधुर का करना है गुणवाचक विशेषण। मधुर में क्या आएगा? गुणवाचक विशेषण। अब इसमें बताना है हमें लिंग, बोलती है तो यहाँ स्त्रीलिंग, क्या आएगा? स्त्रीलिंग। बोलती है सीता मधुर बोलती है एक वचन, क्या आएगा? एक वचन। और मधुर बोलती है संबंध कारक, समझ गए? और यहाँ बोलना क्या है? क्रिया, क्रिया का कर्ता कौन है? सीता, ठीक है। तो ये हो गया विशेषण का पद परिचय। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिया का पद परिचय, जो विकारी में ही पड़ता है। देखो क्रिया का पद परिचय करते समय एक तो हमें ये बताना पड़ेगा कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक क्रिया, समझे? सकर्मक कर्म छाड़ लेंगे, जिसके साथ कर्म हो सकर्मक, जिस वाक्य में कर्म नहीं हो अकर्मक, वो तो क्रिया से हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। जिस पूर्व में आपको शॉर्ट ट्रिक आपको समझा दी गई है, क्या लगा कि क्वेश्चन करो क्रिया से, उत्तर आए तो सकर्मक, उत्तर नहीं आए तो अकर्मक। दूसरा बताना है हमें लिंग, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर बताना वचन, इधर है देखो ये एक वचन है या बहुवचन, वो जो शब्द करेंगे। फिर इसमें वाच्य बताना पड़ेगा, क्रिया में क्या पद परिचय करते समय वाच्य बताना पड़ेगा, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य, जो आपको पहले बता चुके हैं। फिर काल बताना पड़ेगा, इसके बाद वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यकाल कौन सा है उसमें वो बताना पड़ेगा। और क्रिया का अन्य पदों से उसका क्या संबंध है, जो रेखांकित शब्द होगा वो संबंध भी आपको बताना पड़ेगा, समझ गए? तो कितनी बात हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह चीज़ें इसमें क्रिया का पद परिचय करते समय बताना पड़ेगा। कि एक तो क्रिया एवं क्रिया के भेद, एक लिंग, एक वचन, एक वाच्य, एक काल और क्रिया के अन्य पदों से उसका संबंध क्या है। देखिए विद्यार्थियों, एग्जाम्पल है, यहाँ आप देख रहे हो राम ने रावण को मारा। अब हम किसका पद परिचय कर रहे हैं? क्रिया का। तो यहाँ मारा शब्द, मारना क्रिया है, ये क्या है? क्रिया शब्द है मारना। तो हम सिर्फ हमें इसका करना है, अब राम का नहीं करना, क्योंकि राम तो क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा का तो पूर्ण कर चुके हैं। हम सिर्फ क्रिया का पद परिचय करेंगे, क्रिया पे अंडरलाइन है तो यहाँ लिख देंगे मारा, ये क्या है? क्रिया शब्द। अब मारा क्या है, कैसी क्रिया? सकर्मक या अकर्मक? किसको? रावण को। इसमें कर्म मौजूद है, किसको मारा? रावण को। उत्तर आ रहा है क्या? मारा रावण। तो वाक्य क्या होगा? सकर्मक क्रिया का, जो है दो भेद लिख रखे हैं, तो यहाँ हो गया सकर्मक क्रिया, मारा, समझे? यह मारी शब्द होता तो स्त्रीलिंग है, मारा शब्द है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन। अब इस वाक्य में कर्म मौजूद है कर्तृवाच्य, तभी यहाँ कर्तृवाच्य। मारा भूतकाल, क्योंकि समय पूर्व में मारा है तो भूतकाल। और मारा क्रिया का कर्ता कौन है? इस सारे कार्य का खेल कौन कर रहा है? राम, तो राम कर्ता। और मारा क्रिया का कर्म कौन होगा? रावण, जो हमने यहाँ लिख दिया है रावण, ठीक है। क्या क्या बताना पड़ता है? क्रिया एवं क्रिया के भेद, लिंग, वचन, वाच्य, काल और क्रिया का अन्य पदों से इसका संबंध क्या है, बता दिया। अन्य पदों संबंध यहाँ कर्ता का है, यहाँ कर्ता का है, यहाँ रावण कर्म का है, जो हम बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए आप, कविता निबंध लिखती है, लिखना यहाँ क्रिया है, जिस सबसे कार्य संपन्न हो रहा है या होता सब प्रतीत हो रहा है, तो वो शब्द क्रिया कहलाता है। इस पूरे वाक्य में आपको दिख रहा है लिखना क्रिया है यहाँ, तो लिखती है इस शब्द का ही हम पद परिचय करेंगे, यानी लिख दिया है लिखती है का नहीं करेंगे यहाँ, सिर्फ लिखती शब्द का। लिखती क्या लिखती है? निबंध, इसलिए सकर्मक क्रिया। कविता लिखती है, ओनली सिर्फ कविता, यहाँ देखो कविता वो नहीं है जो बनाई, कविता यहाँ करता है। अगर निबंध नहीं होता अकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि यह निबंध कर्म है, इसलिए सकर्मक क्रिया।
स्त्रीलिंग, एकवचन, कृत्रिवाच्य। क्या आएगा? कृत्रिवाच्य। लिखती है वर्तमान काल, समझे? ये बात हो गई। अब लिखती क्रिया का कर्ता कौन हो गई? कविता, जो हमने यहाँ लिखती। फिर लिखती क्रिया का कर्म कौन हुआ? निमन, जो यहाँ लिखती है, समझे? बस ये छांटना है आपको, कर्म कौन सा है, इसमें कर्ता कौन सा है, कि इस क्रिया का कर्ता कौन है? कविता। इस क्रिया का कर्म कौन है? निबंध। निबंध यहाँ कर्म है, तो यहाँ लिख दी। वाक्य के अन्य पदों से इसका संबंध हमने निर्धारित कर दिया है, तो ये सारी बात हम इसमें बता दिए हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपका विकारी जो पद थे उनका पद परिचय पूर्ण हो चुका है। आप अन्य उदाहरण देखकर ग्रामर की किताब में या और कहीं कोई भी एग्जाम लेकर आप घर पे बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास आप करोगे उतना ही निखार आता हुआ जाएगा, क्योंकि रहीम ने कहा है, कृत कृत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवजात पे शिल्पे पड़त निशान। लगातार किया गया प्रयास ही व्यक्ति को सफलता दिलाता है। जैसे कोमल रस्सी जो है, बार बार उसको पत्थर से रगड़ा जाता है तो वो पत्थर ही कट जाता है। कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, कि जितनी आप मेहनत करोगे पत्थर रूपी जो बाधाएं हैं वो अपने आप ही कट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। बस मेरी आपसे यही सलाह है कि आप लगातार पढ़िए, वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हमें पता चल जाता है यहाँ वाच टाइम जो होता है वो कम होता हुआ जा रहा है, वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे। तो जितना पढ़ोगे उतना आप पाओगे। समय का इंतज़ार मत करो। आप सोचिए विद्यालय खुलेंगे तब पढ़ लेंगे, तब तक बहुत कुछ हो चुका होगा, बहुत कुछ समय निकल जाएगा, और सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ बचेगी उस समय, सिर्फ पश्चाताप, सिर्फ पश्चाताप। किस शायद मैं भी अन्य विद्यार्थियों के साथ उस समय पढ़ लेता तो आज मेरी स्थिति ये नहीं होती। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पश्चाताप के शिकार मत होइए, पश्चाताप के शिकार मत होइए। आप लगातार जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सभी गुरुजनों के जो वीडियो डाले जा रहे हैं, जो नोट्स डाले जा रहे हैं, उनको बराबर उतारिए, बराबर उनको पढ़िए। आप निश्चित रूप से सही समय पर आप पहुँच जाओगे, आपका जो एम है, उद्देश्य है, वो पूर्ण हो जाएगा, समझ गए हो? साथ में जो हम वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, साथ में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जय हिंद आप ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल जाए कि कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे हम थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेते हैं। तो आप जय हिंद या फिर यस सर ज़रूर कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद।